टेंथ क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने की वीडियो। आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, आप लोगों के कमेंट देखकर मेरा दिल खुश हो गया। अब आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स एंड सो ऑन, इनकी भी वीडियोज़ बना के बहुत जल्दी डाल दूँ। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ट्राइंगल्स के वो छोटे छोटे कंसेप्ट, जो अगर आप लोग याद कर लें, जो अगर आप लोगों को समझ आ जाए, या आप लोगों को ऑप्शन कैसे डील करना है ये पता चल जाए, तो ट्राइंगल का चैप्टर इतना आसान है बच्चों, 10-15-20-25 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, आप फेल दोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। वीडियो पूरी एंड तक देख लेना, 5-6 छोटे छोटे पॉइंट हैं, बस मुझे आपको वो बताने हैं और आपको उन्हीं से डील करना है, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट जो आप लोगों आता भी और सबको आता होगा, दैट इज थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बच्चों थ्योरम होती है, थ्योरम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है, इफ डी ई पैरेलल टू बीसी, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो जो ये लाइन होती है ना, ये एकदम से काट देती है इस ट्रायंगल को, ऐसे काटती है कि जो ये रेशियोज होते हैं साइड्स के वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी क्या होता है, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू ए अपॉन बी, दिस इज द थ्योरम। दूसरा बच्चों, जो ये रेशियो होता है ना, ये रेशियो खाली एक साइड का दूसरी साइड से नहीं होता, खाली जो सेगमेंट्स होते हैं उनका रेशियो नहीं होता। ये रेशियो कैसे होता है, ये रेशियो ऐसे भी होता है, छोटा पार्ट अपॉन पूरी साइड। ये देखिए, छोटा पार्ट अपॉन पूरी साइड, यानी कि एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ए अपॉन ए प्लस बी, ये इंपॉर्टेंट था। और ये रेशियो ऐसे भी इक्वल होता है कि नीचे वाला जो पार्ट है वो अपॉन बड़ी साइड, नीचे वाला जो पार्ट है वो अपॉन ए सी, दिस साइड। तो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीन हमारे रेशियोज होते हैं, आपको ध्यान रखना है, रेशियो आमने सामने की साइड्स का इक्वल आएगा किसी भी तरह से आ जाए, छोटा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, कैसे भी आ जाए, बट इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे वैसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, सपोज मैं आपसे कहता हूँ बच्चों डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, दे रखी है हमें, और मैंने कहा ये एक्स है, ये फोर है, आपका ये थ्री है और ये ट्वेल्व है, फाइंड एक्स। तो आपको सिर्फ इतना करना है, एक्स अपॉन फोर इक्वल्स टू थ्री अपॉन ट्वेल्व, फोर थ्री जै ट्वेल्व, एक्स की वैल्यू आ गई 1, ये आपको करना था और कुछ नहीं करना था। इसी तरीके से मान लो, सपोज ये हमें दे रखा है एक्स पूरी साइड, दिस ए बी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब की बार ये रेशियो आप लोगे एक्स अपॉन फोर, तो एक्स जो आपने लिया है ना पूरी साइड का लिया है, तो यहां पर ऊपर हमें पूरी साइड का रेशियो रखना पड़ेगा जो कि है 3 प्लस 12, क्योंकि मैंने आपको बताया जितनी साइड इधर की है उतनी साइड उधर की लेनी है। यहां पर 4 लिया है तो यहां पर ये नीचे वाला लेना पड़ेगा, दैट इज ओनली 12, बस ये डिफरेंस था। अब आंसर आएगा 4 3 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो दैट इज ऑल अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको बच्चों, जिस पे मैंने ना बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हुए देखे हैं, ज़्यादातर बच्चे उसमें कन्फ्यूज रहते हैं। दैट इज द कंसेप्ट, अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल होती है तीसरी साइड के, तो रेशियो तो इक्वल हो जाते हैं। एक चीज़ और इक्वल होती है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ और ध्यान से देख लेना। आपको सोचो बच्चों, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन पैरेलल है किसी लाइन के, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, आपको पता है, सिमिलर हो जाएगा, सिमिलरिटी हो जाएगी, किससे, बाई ए ए थ्योरम से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी जो हमारी थ्योरम होती है उससे हमारी सिमिलर हो जाएगी। तो बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका ट्राइंगल ए डी ई है छोटा वाला, वो बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा। और आपको पता है सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी में रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं साइड्स के। सिमिलरिटी वाला पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पर ये आ गया, इसे मैंने आपको बता दिया। आप ये देखिए, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, एक्स अपॉन बड़ी, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, ए अपॉन बड़ी साइड, एंड दैट इज इक्वल टू छोटी साइड यानी कि छोटे ट्राइंगल की साइड सी अपॉन बड़े ट्रायंगल साइड डी, जो मैंने डी मानी हुई है। तो ये आप ध्यान रखना, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब एक प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। आपको ये भी पता है अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री है किसी ट्रायंगल का, तो सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो दीज आर द टू पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। अब पहले दो चार क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर, उसका बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है, इफ पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये ट्रायंगल बनाए ए बी सी, पी क्यू आपकी बी सी के पैरेलल है और ये साइड दे रखी है टू है, ये थ्री है, ये थ्री है और हमें ए क्यू निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन, देर आर फोर स्मॉल स्मॉल ऑप्शन। अब देखो बच्चे पता है क्या कंफ्यूज होते हैं कि ट्रायंगल तो उल्टा हो गया तो किस रेशियो को मैं किसके इक्वल करूँ। कुछ मत सोचो, सामने का सामने से इक्वल करो, बात खत्म। यानी कि अगर हमें ये एक्स फाइंड करना है तो टू अपॉन थ्री सामने का सामना, 3/x ये भी इसके सामने हो जाएगा, इनको इक्वल कर दो आपका x निकल आएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 2/3 = 3/x, तो x आ जाएगा आपका 9/2 यानी कि 4.5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, मतलब इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर इसकी ट्रिक बता दो, तो बच्चों इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लग सकती, इसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ट्रिक तब लगती है जब क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार होता है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है उसमें आता है ट्रिक लगाने का मजा। तो चलिए मैं आपको दो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें ट्रिक से फटाफट आंसर आएगा। ये देखिए बच्चों, मैंने आपको सामने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसमें वेरिएबल आ गया, यू हैव टू फाइंड एक्स, और जो साइड दे रखी हैं, जो भी दे रखा है वो आपका एक्स की फॉर्म में दे रखा है। एक तरीका तो वो है कि आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट ये है डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि डी ई हो गया बी सी के पैरेलल। सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ आ गया कि जो साइड्स का रेशियो होगा, जो सेगमेंट्स का रेशियो होगा वो आपका ये होगा, ये इक्वल होगा तो आंसर आ जाएगा। अब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व वॉल्व करो, इट टेक्स अ टाइम, हो सकता है क्वाड्रेटिक बन जाए, हो सकता है क्वाड्रेटिक ना बने। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी काम आसान हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी काम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उससे करोगे ना, फटाफट आंसर आएगा बिना मिस्टेक के। कैसे करना है, आप सिर्फ ऑप्शन चेक करो, लेट टेक्स फोर, अगर मैं यहाँ फोर रखूँगा बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x - 1 कितना आएगा, 4 × 2 = 8 में से 1 = 7, 4 - 3 = 1, यहाँ पर कितना आएगा, 4 × 2 = 8 + 5 = 13, 4 - 1 = 3, क्या है दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, दिस क्वेश्चन इज आउट, दिस ऑप्शन इज आउट। सेम फॉर 6, देख लेते हैं 6 के लिए, 12 - 1 = 11, 6 - 3 = 3, यहाँ पर कितना आ गया, 12 × 5 = 17, यहाँ पर कितना बच गया, 5, क्या ये इक्वल आ रहे हैं, ये भी इक्वल नहीं आ रहे, ये भी आंसर नहीं होगा। भाई साहब 100% खत्म हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल विदाउट मिस्टेक आपका आंसर आएगा। ये देखो 8 रख के देख लेते हैं, अगर मैं इसमें 8 रखता हूँ तो कितना आएगा, 8 × 2 = 16, 16 - 1 = 15, 8 - 3 = 5, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 × 2 = 16 और 5 = 21, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो अगर आप देखोगे तो ये हो गया 3, काटने के बाद ये हो गया 3, ये दोनों इक्वल आएगा, दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, बात खत्म। वेरिएबल वाले क्वेश्चन आप ऐसे ख़त्म कर सकते हो जिसमें एक्स वेक्स निकालनी हो, सारी साइड में कुछ ना कुछ दे रखा हो, कंसेप्ट अप्लाई करो और कैलकुलेशन बचाने के लिए ट्रिक लगा दो। तो इन ट्रिक्स को अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे ना तो बहुत आसान लगेगा हमें ट्राइंगल्स। मैं आपको और दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन में देखिएगा आप, हमें ये दे रखा है LM पैरेलल टू BA। चलो भैया मान ली ये हमें साइड्स दे रखी हैं सारी की सारी, लेकिन इसमें ना मुझे साफ दिख रहा है जो AL है वो एक छोटी साइड है, यानी कि छोटी, और AC दे रखी है पूरी बड़ी। ऐसी यहाँ BM दे रखी है छोटी और BC दे रखी है पूरी बड़ी। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था छोटे का रेशियो छोटे से, बड़े का रेशियो बड़े से, वही आता है जो सामने की साइड है उसका रेशियो ले लो। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो AL अपॉन टोटल AC, यहाँ पर कितना आएगा, BM अपॉन टोटल BC, ये आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, फटाफट पहले AL रखा अपॉन AC रखा, AL कितना है आपका, AL आ जाएगा आपका x - 3, AC कितना है बच्चों आपका, AC आ जाएगा 2x, BM कितना है आपका x - 2, BC आ जाएगा आपका 2x + 3। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है कैलकुलेशन का, भैया बहुत सारे क्वेश्चन है कैसे कैलकुलेशन करूँगा। हो सकता है कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कट पिट करके आंसर आ जाए, क्वाड्रेटिक ना बने, लेकिन बाई चांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना तो उसको सॉल्व करने में, फैक्टर करने में, डिस्क्रिमिनेंट निकालने, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, और सबसे पहले ऑप्शन यूज़ करने का भी तरीका बताता हूँ। यहाँ पर सारे के सारे सिंपल थे तो हमने स्टार्टिंग से लेना शुरू कर दिया, यहाँ पर पॉइंट में है, पॉइंट वाले कभी भी पहले मत इस्तेमाल करना, जो
जो बिना पॉइंट वाले ना पहले उनको इस्तेमाल करना, अगर उनसे आंसर नहीं आया तो हम पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि सबसे पहले टू रख के देखो फिर नाइन। जब मैं यहाँ पर टू रखूंगा तो टू माइनस थ्री माइनस वन आ गया, ये आ गया फोर नीचे, यहाँ रखूंगा टू माइनस टू जीरो हो गया, किसी भी कीमत पे इक्वल नहीं आ रहा, तो टू इज नॉट द राइट आंसर। अब मैं चूज करने जा रहा हूँ बच्चों नाइन, देख लेते हैं नाइन से आता नहीं आता। नाइन माइनस थ्री इज सिक्स, नाइन टू से एटीन, ठीक है, नाइन माइनस टू इज सेवन, और नाइन टू से एटीन प्लस थ्री इज ट्वेंटी वन। अगर देखा जाए तो ये वन अपॉन थ्री आ गया, ये भी कट के बाद वन अपॉन थ्री आ जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ ना आपको ईजी लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स उठाता हूँ, मैं चाहता हूँ मैथ जितनी ईजी हो जाए उतना बढ़िया है। तो बी पी टी एक थ्योरम होती है, आप लोगों को पता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है आपस में, अपोजिट साइड्स का रेशियो, अगर पैरेलल लाइन कट जाए तो, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकालते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपनी कैलकुलेशन हैवी कर देते हो और मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। मत करो, सिंपल ऑप्शन रख के देखो, चेक करो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को लिख दिया दो बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन, छोटे ही क्वेश्चन आने हैं, 15-20 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें दे रखा है ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, यानी कि रेशियोज इक्वल दे रखे हैं। चलो ठीक है, कहीं काम आएगा तो देखेंगे, फिलहाल मुझे इससे पता चल गया कि इट इज़ अ कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, और कन्वर्स के अकॉर्डिंग अगर ये दे रखा है तो डी ई आपकी पैरेलल हो जाएगी ए बी के इक्वल, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे, पर फिलहाल जो दे रखा था मैंने गिवन लिख लिया। अब वो कह रहा है एंगल सी डी ई, दिस एंगल इज इक्वल टू सी ई डी, दिस एंगल, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। ओहो माई गॉड, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल के तो क्या होता है, वो ट्राइंगल बन जाता है आइसोसेलस ट्राइंगल, और उसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो अगर ये दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, सी ई इक्वल टू डी सी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। आइसोसेलस ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, सी ई ये री, ठीक है, डी सी ये री, तो बच्चों अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, कटिंग कर दूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिल जाएगा ए डी इक्वल टू बी ई, क्लियर, बात खत्म। आप ये देखो, नीचे वाला पोर्शन नीचे वाले के इक्वल है, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वाले के इक्वल है, यानी कि सी डी इक्वल टू सी ई है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आप ये देखिए, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ए डी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी ई प्लस ई सी, यानी कि मुझे मिल जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी सी, बात खत्म, ये मेरा आंसर आ गया। इट इज़ वेरी इजी, छोटा छोटे के इक्वल हो गया, ठीक है, और ऊपर वाला जो छोटा है पोर्शन वो भी छोटे के इक्वल हो गया, सामने वाले के दोनों को जोड़ा, बड़ी साइड इक्वल टू बड़ी साइड आ गई, बात खत्म। एक तरीका और था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके अकॉर्डिंग कैसे, अगर ये पैरेलल है तो बच्चों ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे आपस में, तो अब जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो इनके सामने की साइड्स क्या हो जाएंगी, वो भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ए सी और बी सी तब भी इक्वल आ जाएगा। कैसे भी कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आ जाओ, आप ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये 35 दे रखा है, मैं समझ गया एंगल इक्वल हो गए, एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी, क्लियर है, मतलब पैरेलल दे नहीं रखी थी, सिर्फ दे रखा था एंगल 35 है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, लाइंस पैरेलल हो गई, और अगर पैरेलल लाइन हो जाती हैं, कोई एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है ट्रायंगल में, उसको काटते हुए तो जो रेशियोज आते हैं वो इक्वल होते हैं बाय बीपीटी थ्योरम, आप लोगों को पता है। लेकिन मैंने उसके बाद एक कंसेप्ट और लिखवाया था, मैंने कहा था आपसे कि छोटा ट्रायंगल जो होगा ना वो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ बी डी पैरेलल टू ए, तो इससे मुझे सिर्फ इतना मिलेगा बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू सी डी अपॉन ई डी,
बस ये रेशियो मिलेगा, लेकिन इस रेशियो से मुझे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि x यहाँ पर है, तो इन दोनों को मुझे लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये ना लिखकर, ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ट्राइंगल बी सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी ई। मैंने आपसे कहा है ये कंसेप्ट याद कर लो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी आपको दिखा दूँ प्रूफ करने के लिए। आप ये देखिए, ये एंगल इसके इक्वल, फिर छोटे का ये वाला एंगल बड़े के इस वाले एंगल के इक्वल कॉमन हो गए, तो बाई ए ए से ये हमारा सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो आपको बताया सिमिलर ट्राइंगल्स में जो साइड्स होती हैं वो आपस में रेशियो में आती हैं, तो बाई सिमिलरिटी बी सी अपॉन टोटल बड़ा ए सी, यहाँ पर बी डी अपॉन ए, क्लियर। अच्छा एक और हो जाएगा सी डी अपॉन सी ई, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा। तो आप ये देखो बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया सी, ए सी कितना हो गया बी प्लस सी, बी डी कितना हो गया जो हमें निकालना है एक्स, ए कितना हो गया ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ए सी अपॉन बी प्लस सी निकल कर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। आइए कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको कराऊंगा इनके ऊपर क्वेश्चंस, वो भी ट्रिक से। सबसे पहले आप ये देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स, आप लोगों को पता है दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं या साइड का रेशियो इक्वल होता है, वो आप लोग कर ही दोगे। लेकिन अगर हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके एंगल्स, मान लो ए इसके इक्वल है, मान लो ये इसके इक्वल है, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, तो बच्चों जब ये इक्वल हो जाएगा ना तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि इनके जो सामने की साइड्स हैं वो आपस में रेशियो में आ जाएंगी। कैसे, ध्यान से देखो, ए के सामने कौन सी साइड है बी सी, ए पी के इक्वल है सामने कौन सी साइड है क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर आपस में रेशियो में आ जाएगी, क्लियर। सिमिलरली सी के सामने कौन सी साइड है ए बी, सी आर के इक्वल है सामने साइड पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो में आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में रेशियो में आ जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, पैरामीटर्स भी रेशियो में आ जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाऊंगा जब भी क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिर्फ उनकी साइड ही रेशियो में नहीं होती, उनके पैरामीटर्स भी रेशियो में होते हैं, उनके मीडियंस भी रेशियो में होते हैं। मीडियंस का मतलब ये हो गया, मान लो मैं यहां पर कोई एक मीडियन बना दूं ए एम, यहां पर मैं एक मीडियन बना दूं ए एन, मीडियन का मतलब होता है सामने वाली साइड को वो बाइसेक करता है, यानी कि बी एम इक्वल टू एम सी और क्यू एन इक्वल टू एन आर, तो अगर मीडियंस हैं तो वो भी रेशियो में आएंगे। सिमिलरली ऑल्टीट्यूड्स हैं वो भी रेशियो में आएंगे, सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो वो भी रेशियो में आएंगे। कहने का मतलब है अगर ये मीडियन नहीं है, अगर ये ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री पे बन रहा है बट इट इज़ नॉट अ मीडियन, हो या ना हो बात अलग है, बट अगर ये 90 डिग्री पे है तो भी इसका रेशियो इक्वल होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो भी इसका रेशियो इक्वल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों एक बार वीडियो स्टॉप करके ना नोट कर लो, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव है, छोटे छोटे आएंगे, प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। यू हैव टू नो द एप्लीकेशन, आपको पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी होगी तो क्या होगा, किस रेशियो में इक्वल होगा, पैरामीटर का रेशियो कब इक्वल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इधर आ जाओ, अगर मैं इनके एरिया की बात करूं, सिमिलर ट्राइंगल्स की ही मैं बात कर रहा हूं, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का जो रेशियो होता है ना, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, वो भी साइड के रेशियोज के इक्वल होता है बट उनके स्क्वायर्स के, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ये समझ लो, जब मैंने आपको बोल दिया इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इसके ऊपर कंफर्म आएगा, आप लिख के रख लो मेरे से, आप देख लेना, मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा अपना प्रिडिक्शन है कि एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर आएगा, आपको सिमिलर ट्राइंगल्स देगा और वो आपसे कहेगा एरिया दे रखा है साइड निकालो, रूट लेना है काम खत्म, या साइड दे रखी है एरिया निकालो, स्क्वायर करना है काम खत्म। तो एक क्वेश्चन ऐसा आना है और बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। आगे आ जाओ, एक बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। यानी कि अगर हमारे किसी ट्रायंगल में कोई एंगल बाइसेक्टर है, मान लो ये ए एम एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, तो उस केस में दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी कि ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, इनका रेशियो इक्वल होता है।
ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ये दो साइड दे देते हैं, तीसरी भी दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एप्लीकेशन क्या लग रही है। जस्ट यूज एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक तब आती है जब ऑप्शंस को हम लोग जज कर पाते हैं, और वो इन बिटवीन क्वेश्चंस में आती है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम, ओहो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नाइन्थ में ही पढ़ी थी। अगर किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट हैं साइड्स के, सपोज डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, तो क्या होगा, तो एक तो डी पैरेलल हो जाएगी बी सी के। अब देखो डी पैरेलल हो गई ना, यहीं से कहानी निकल आई। क्या कहानी निकल के आई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यानी कि अगर डी पैरेलल हो जाएगी तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, रेशियो इक्वल साइड के, छोटा रेशियो अपॉन बड़ा रेशियो, छोटा रेशियो अपॉन बड़ा रेशियो, वो भी इक्वल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था अगर हमारी बीपीटी होती है तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल होता है ना वो बड़े वाले के क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। यानी कि डी ई अपॉन बी सी ये भी इक्वल हो जाएगा। एक चीज और होती है, जो ये डी होती है ना ये हाफ ऑफ बी सी भी हो जाएगी। यानी कि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल रहा है, मैं आपको बता देता हूं, डी ई अपॉन बी सी का रेशियो हो गया हाफ। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे ही ए डी अपॉन ए बी का रेशियो वो भी हाफ, ए अपॉन ए सी का रेशियो वो भी हाफ। क्यों, क्योंकि बीपीटी के अकॉर्डिंग ऊपर वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए हैं, एक बार वीडियो स्टॉप करके पॉज करके फटाफट इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। नाउ कम टू सम अदर पॉइंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना आप लोगों को। इफ एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, किसी ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है और वो कह रहा है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि ए डी एक बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो। क्या रिजल्ट याद रख लो, पहली बात तो छोटे वाले दोनों ट्राइंगल आपस में हो जाएंगे सिमिलर, और वो बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रख लो। कुछ चीज़ें आप लोग याद रखोगे तो आपका बेनिफिट होगा। यानी कि अगर ऊपर से कोई परपेंडिकुलर डल रहा है और वो राइट ट्राइंगल है, कई बार किसी क्वेश्चन में ऐसे भी बना हुआ आ सकता है, वो कह सकता है आपसे राइट ट्राइंगल है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डला ए बी सी डी, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये वाली सिचुएशन ये वाली है, उस केस में ये ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, मैंने इन दोनों को लिया, सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाया ये दो छोटे वाले ट्राइंगल से, और मैंने इनकी साइड को आपस में रेशियो में डाल दिया। तो रेशियो में जब डाला मैंने ए बी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन ए डी, ये आया। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी कैसे आया, आप ये देखो ये एंगल दोनों के 90-90 है तो ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा, ऐसी साइड आपस में रेशियो में आ जाएंगी। मैं आपसे इतना कह रहा हूं आप ये रिजल्ट याद रखो, क्या रिजल्ट, जो ऑल्टीट्यूड है ना उसका स्क्वायर इक्वल्स टू जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड डला हुआ है इन दो साइड्स, जो एक साइड ये है बी डी और एक साइड ये है डी सी, इनका प्रोडक्ट, बस ये याद रखो, क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। आप ये देखिए राइट ट्राइंगल है तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं क्या करूंगा, भैया ए डी का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर डला है और ये जो दो साइड्स हैं सी डी इंटू बी डी, इसका स्क्वायर कर दूंगा, बात खत्म। किसी भी वेरिएबल में लिखा हुआ है, अगर मान लो पी क्यू आर आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाकी जिसके ऊपर वो डला है उन दोनों का प्रोडक्ट। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे कहूँ इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप क्या करोगे, कहोगे हाफ बेस इंटू हाइट। यानी कि ध्यान से देखना, हाफ जो आपका ए डी है हाइट इंटू बी सी, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ इस ट्राइंगल को आप उल्टा कर लो, मतलब ऐसे निकालो एरिया जैसे ये आपका इस तरह से रखा हुआ है, तो अगर आप ऐसे निकालोगे बच्चों तो ए बी इंटू ए सी का प्रोडक्ट आएगा ना हाफ में, हाफ ए बी इंटू ए सी, और दोनों ही एरिया आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों एरिया ऐसी ट्राइंगल के तो हैं। एक बार हमने परपेंडिकुलर से निकाला, एक बार हमने एंगल से निकाला राइट ट्राइंगल से, तो आप ये देखो उस केस में ये कट जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है ए डी जो परपेंडिकुलर है और जिसके ऊपर डला है उसका प्रोडक्ट ए डी इंटू बी सी, और जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है ना उन दोनों साइड का प्रोडक्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कई बुक्स में आते हुए देखे हैं, या तो वो इस कंसेप्ट पे आते हैं या तो वो इस कंसेप्ट पे आते हैं। अब बच्चा क्या करता है, बार 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 सिमिलरिटी प्रूफ करता है, कभी रेशियो प्रूफ करने में लगा हुआ है, कभी कुछ प्रूफ करने में लगा हुआ है। अरे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, मैं आपको बता रहा हूँ 5-7 पॉइंट्स हैं जिन पर आपके
ट्रायंगल में दबा के क्वेश्चन आए हुए हैं, हर बुक में मैंने देखे हैं। तो मैंने उन बुक्स को देखा, उनसे क्वेश्चन निकाले, पॉइंट्स निकाले, ठीक है, उनको रीड करा, रीड करके मैंने आपके लिए पॉइंट्स यहाँ पर ला के डाले हैं और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना कैसे चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन लिखे मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर। आइए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। वो कह रहा है दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो भैया सबसे पहले तो मैं करूँगा ट्राइंगल बनाऊंगा और पॉइंट्स लिखूंगा कौन सा किसके सामने है। पहले स्टार्ट हो रहा है ए से, तो स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पर डी से। बी के आगे यहाँ पर बी लिखा है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ई, यहाँ पर सी है लास्ट में तो मैं लिखूंगा एफ। पहली बात तो आप लोग ना ये ऑर्डर मत बिगाड़ना, कई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, यहाँ पर ई लिख लेंगे, यहाँ डी लिख लेंगे, यहाँ पर एफ लिख लेंगे। क्योंकि अगर वो एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर बोलता है ना, तो जिस साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं लेटर्स उसी साइक्लिक ऑर्डर में आपको लिखना है, क्योंकि रेशियो ऑफ साइड्स भी उसी के अकॉर्डिंग आएंगी। अब आप ये देखो, उसने कह दिया ए बी है 4 सेंटीमीटर, सी ए आपकी 2.5, बी सी 3.5, ओके, डी एफ दे दी उसने 7.5, ओके। वो आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर से मुझे अपना वो कंसेप्ट याद आ गया कि सिमिलर ट्राइंगल्स का सिर्फ साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं होता, पेरीमीटर्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होते हैं, मीडियन भी इक्वल होते हैं और एंगल बाइसेक्टर्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर है ना? तो बच्चों मैं यहाँ पर वही कंसेप्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप ही देखिए, इसमें हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, ये दो साइड्स हमें दे रखी हैं और इसमें कोई और साइड भी नहीं है। तो इन साइड का रेशियो मैं आपस में ले लेता हूँ ए सी अपॉन डी एफ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? पेरीमीटर्स के, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। काम खत्म। आप ये देखो ए सी कितना है यहाँ पर, दैट इज 2.5, डी एफ कितना है यहाँ पर, दैट इज 7.5, ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर कितना आएगा, 4, 2.5 और 3.5, इनको आपको जोड़ना है, आई थिंक 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, ये बच गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों यहां पर आएगा 10 इंटू 3, द आंसर इज 30, सिंपल। तो अब इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। सबसे पहले मैंने रफली एक बना लिया, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ए के आगे ई रखना, बी के आगे डी रखना, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में, सी के आगे एफ रखना। लो भैया रख लिया, ये सिमिलर है, क्लियर। फिर वो कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर नहीं है डी ई एफ के। ओहो, ये तो वही वाली बात आ गई जो मैं आपको भी बता के चल रहा हूँ, साइक्लिक ऑर्डर में लेना है। मैक्सिमम बच्चे ना बस यही गलती करते हैं, इसीलिए उन लोगों को ट्राइंगल समझ नहीं आता। एक्चुअल में अगर हम पॉइंट जरा सा भी घुमा देंगे ना, तो रेशियो हमारे उल्टे हो जाएंगे। और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, उसने कहा था नॉट, इसके नहीं है, तो जिसके नहीं है उसको लो ही मत ना, देखो ही मत, हमें को मतलब ही नहीं भाई, जो सिमिलैरिटी थी हमने ले लिया। अब ऑप्शन में दे रखा है, इसमें से क्या ट्रू नहीं होगा, साफ दिख रहा है ऑप्शंस में रेशियोज हैं, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मैं सिमिलैरिटी का जो फॉर्मूला है, जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है, वो लगा के रेशियो निकाल लेता हूँ। बच्चों यहाँ क्या रेशियो आएगा, ए बी अपॉन डी ई, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ, क्लियर, इतना आ गया। अब पहले इन दो को लो, इन दो से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू डी ई इंटू ए सी, ये आ गया। अब आप इसमें देखिए ए बी इंटू ई एफ कहाँ है, ये रहा ए बी इंटू ई एफ, डी ई ये रहा, ए सी ये रहा, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा नॉट ट्रू कौन सा होगा। कोई बात नहीं, इन दोनों को लेके देखिएगा, जब मैं इन दोनों को लूंगा तो मेरा आएगा ए सी इंटू डी एफ इक्वल टू बी सी इंटू ई एफ, ये रहा बी सी इंटू ई एफ, ए सी इंटू डी एफ, एफ डी लिखा हुआ है, डी एफ लिख दो, एफ डी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन दिस इज द राइट बट आंसर इज रॉन्ग बिकॉज उसने पूछा नॉट ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ ये दो रेशियो रह गए जो हमने इक्वेट नहीं करे थे, इनको भी कर लीजिए, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, डी एफ इंटू ए बी, ए बी इंटू डी एफ, लो भैया बी सी इंटू डी ई, बी सी इंटू डी ई। अच्छा देख लेते हैं, देखो बी सी इंटू डी ई ये दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू एफ डी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि उसने पूछा था नॉट ट्रू।
तो व्हाट इज आंसर, द आंसर इज दिस, दिस इज नॉट ट्रू। तो बच्चों कंसेप्चुअल नॉलेज हल्की सी हो जाए, ट्राइंगल्स मुश्किल नहीं है। ये देखिए बच्चों मैंने दो क्वेश्चन और लिख दिए आप लोग के लिए, ये दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत आते हुए देखे हैं अलग अलग बुक्स में और कई बार रिपीट हुए हैं। देखो इसमें कह रहा है एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओ माई गॉड, ये तो वही वाला कंसेप्ट आ गया जो भी मैंने आप लोगों से कुछ देर पहले बताया था कि अगर एक राइट ट्राइंगल है और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है तो क्या होगा। देखो मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में ना दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, और जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डलेगा इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैंने कहा था इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ए बी और ए सी का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू ए डी इंटू बी सी। एरिया निकाल के दिखाया था ना मैंने आपको ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, और उसको घुमा के निकालेंगे तो भी हाफ बेस इंटू हाइट, तो उससे ही आ जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर, याद रखने हैं, वहाँ पर सॉल्व करने मत बैठ जाना। अब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। आप ये देखिए ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर ये रहा, या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, बी डी इंटू डी सी, लो ये आंसर आ गया, बात खत्म, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। अब सॉल्व कैसे करना है, तो बच्चों फिर तो वही है, इसको इसके अकॉर्डिंग सिमिलर करो, साइड को रेशियो में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैं आपको सॉल्विंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू डील विद एमसीक्यू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे। कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ चीज़ें ट्रिक्स लगानी है, कुछ जगह ऑप्शन जज करने हैं, कुछ जगह कैलकुलेशन ईजी करनी है, काम खत्म। अभी मैं आपको ट्राइंगल्स की इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे खत्म होते हैं 10-10 सेकंड में, अगर आपको जरा सी कंसेप्चुअल नॉलेज है तो। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, माई गॉड, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। आपको बताएं अगर ट्राइंगल सिमिलर्स हैं तो उनके एरिया, उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो कह रहा है रेशियो दे रखा है दो सिमिलर ट्राइंगल का 2/3, तो भैया ये तो 2/3 हो गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी आपको साइड्स का रेशियो निकालना है, साइड वन साइड टू, पहले वाले की ट्राइंगल की साइड और दूसरे वाले की, ये स्क्वायर में है तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा देन वी गेट द आंसर। तो यानी कि जो साइड का रेशियो आएगा पहले ट्राइंगल की अपॉन दूसरे ट्राइंगल की दैट इज इक्वल्स टू √2/√3, बात खत्म। है कोई ऑप्शन, ये रहा, इट इज़ वेरी इजी, बट आपको पता तो होना चाहिए कि जो एरिया है, जो एरिया है, जो एरिया का रेशियो है वो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें ना कई बार उल्टा क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, वो आपको साइड्स दे देंगे और कह देंगे एरिया का रेशियो निकालो, और स्क्वायर कर दो, यहाँ पर रूट लिया है वहाँ पर स्क्वायर कर दो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों दो क्वेश्चन मैंने आप लोग और लिख दिए हैं, वैसे ही क्वेश्चन है पर चलो एक बार करके देख लेते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, ध्यान से देखना। ट्राइंगल ए बी सी, तो भैया मैं तो ए बी सी लिख रहा हूँ पहले, सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, पी आर क्यू नहीं बोला, पी क्यू आर भी नहीं बोला, क्यू आर पी बोला है, तो ए के सामने क्यू आएगा, बी के सामने आर आएगा, सी के सामने पी आएगा, क्या करूँ, जैसे बोल रहा है वैसे करूँगा साइक्लिक ऑर्डर में। तो अब ये देखिए, अच्छा उसने दे दिया कि दोनों का जो एरिया है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है इसने 9/4, दैट इज इक्वल्स टू 9/4। अब हमें पता है कि एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियोज के इक्वल होता है अगर वो स्क्वायरिंग में है तो। तो उसने दे रखी है ए बी 18, लो भैया ये 18 है, बी सी 15, चलो पी आर वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है एक्स। तो बच्चों अगर मुझे साइड्स का रेशियो लेना है, स्क्वायर करना है एरिया के अकॉर्डिंग, तो मैं उसका लूंगा ना जो गिविन है, और उसका लूंगा जो निकालनी है, पी आर निकालनी है और बी सी हमें दे रखी है 18, हमारे लिए वेस्ट है। ये उसने बेकार में दे दी बच्चों को बहकाने के लिए, उलझाने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि भैया बी सी अपॉन आर पी का स्क्वायर, बात खत्म, क्योंकि हर साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो निकालना है जो गिविन है वो ले लो। तो अब आपको सोचो बी सी है 15, पी आर कितनी हो गई हमारी, वो हम निकालेंगे अभी, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, इफ आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, दैट इज 15 अपॉन पी आर। तो बच्चों पी आर कितनी आ जाएगी आपकी, पी आर इक्वल्स टू 10,
दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। मानो तो बच्चों का खेल, ना मानो तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज है और कुछ नहीं है। इधर आ जाओ, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। चलो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन, टी वन लिख लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, ये दे रखा है 25/36, जो दे रखा है मैंने वो लिख लिया पहले गिवन। ओहो, मीडियंस की बात कर ली, वो कह रहे हैं मीडियन ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इतना है, मीडियन ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी मैंने स्टार्टिंग में कि सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है ना, वही मीडियंस का रेशियो होता है, वही एल्टीट्यूड्स का रेशियो होता है, मतलब वो सब आपस में इक्वल होते हैं, वही पैरीमीटर्स का रेशियो होता है, होता है ना। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल साइड्स के रेशियोज का स्क्वायर होगा तो 101% मीडियंस के रेशियो का भी स्क्वायर होगा, एल्टीट्यूड्स के रेशियो का भी स्क्वायर होगा। समझ रहे हो बात मेरी, पैरीमीटर्स के रेशियो का भी स्क्वायर होगा। तो सिंपल सी बात है, दैट इज दैट एरिया इज इक्वल टू मीडियन 1/मीडियन 2 का स्क्वायर। ऊपर स्मॉल है, नीचे थोड़ा सा बड़ा है, तो ये स्मॉल मीडियम हो गया, एम एस लिख लिया। दिस इज द मीडियम ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ट्राइंगल हम कैसे मेजर करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, इफ आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट, दिस इज 5/6, ठीक है, स्मॉलेस्ट मीडियम दे रखा है 10, लो भैया 10 रख दिया, मीडियन निकालना है लार्जेस्ट ट्राइंगल का, तो मीडियन आ जाएगा लार्जेस्ट ट्राइंगल का हमारा, इधर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 60 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा 12, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन मैंने और लिख दिया आप लोगों के बोर्ड पे, उसने फिगर दे रखा है ए बी सी डी, वो कह रहा है डी पैरेलल टू बी सी। अरे वाह, मजा आ गया, जब डी पैरेलल हो गई तो बी बी डी भी लग जाएगी, छोटा वाला ट्राइंगल ए डी ई बड़े वाले के सिमिलर भी हो जाएगा, यानी कि ए डी अपॉन ए बी, डी ई अपॉन बी सी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। देख लेते हैं आगे वो क्या कह रहे हैं, ए डी कह रहा है 1, दिस इज 1, बी डी कह रहा है 2, दिस इज 2, वेरी गुड। फिर वो कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर वही कंसेप्ट जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर कोई लाइन किसी तीसरी साइड के पैरेलल हो तो बी पी टी तो हो ही जाएगी, साइड का रेशियो तो आपस में हो ही जाएगा इक्वल, और ट्राइंगल ए डी ई 100% सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। मैंने आपसे कहा था कंसेप्ट याद कर लेना, ठीक है, सिमिलर क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और ये कॉमन, ए ए से सिमिलर हो गया। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस डायरेक्ट कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब आप ये देखिए, एरिया निकालना है आपको ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसका रेशियो निकालना है। तो ए बी सी की, ए बी की साइड ले लो, बड़ी साइड, बड़ी साइड कितनी आएगी, ए बी, ए बी अपॉन हो गया कितना, छोटा ए डी, खत्म, इसका स्क्वायर, ए बी हो गई 2+1 और ए डी हो गई आपकी 1, इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों आ जाएगा 9:1, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, पॉइंट्स में ब्रेक कर दो अपनी नॉलेज को, टेंशन कभी नहीं आएगी, अदरवाइज तो घूमते रहोगे ट्रायंगल्स में। तो मैंने 5-7 आपको पॉइंट बताए, 1-2 पॉइंट और अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके अंदर वीडियो यहीं पे स्टॉप करूंगा, थैंक यू बोलूंगा आपसे, ताकि आप लोग आराम से देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, खूब सारे एमसीक्यूज कराऊंगा अलग अलग तरह के। आ जाओ इधर, ट्रेपेजियम, ओहो ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, और ए बी हमें दे रखी है बड़ी साइड, डी ई दे रखी, डी सी दे रखी है हमें छोटी साइड, तो चलो छोटी और बड़ी, ये हो गया ए बी सी डी, लिखना साइक्लिक ऑर्डर में, ए बी सी डी, ऐसे मत लिखना, ए बी सी डी ऐसे मत लिखना, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना। चलो ये हमें दे रखा है, ये 3 हो गई बच्चों, 6 हो गई, डायगनल इंटरसेक्ट एट ओ, लो भैया डायगनल्स को ओ पे इंटरसेक्ट करा दिया, चलो भैया करा दिया। अब वो कह रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यानी कि हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। देखो सिंपल सी बात है, आपको मैं एक बार बता दूँ, पूरी 10th क्लास में जब भी वो आपसे दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछे ना, तो समझ जाना कि ट्राइंगल सिमिलर हैं,
उनको सिमिलरिटी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लो कौन सा एंगल आपस में इक्वल है और उनके आमने सामने की साइड को रेशियो में डाल दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप ये देखो, एक तो हम इसमें गिवन कौन सी है, ए ओ बी कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये वाला, और सी ओ डी ये वाला, दोनों सिमिलर हैं और साफ दिख रहा है कि जो ये एंगल है ना, ये इसके कन्फर्म इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए तो इनके सामने की साइड्स का रेशियो आराम से आ जाएगा। आप ये देखो ए ओ बी, तो पहले ए ओ बी का रखना है 6, फिर डी सी सी डी ओ सी का रखना है, लो भैया इसका स्क्वायर खत्म। कितना आंसर आ जाएगा? ऊपर बचेगा 2 नीचे से कट के, और ये आ जाएगा आपका 4, यानी कि आंसर इज 4:1। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज आपको पहली वीडियो थी ट्रायंगल की, कंसेप्चुअल नॉलेज तो हो गई होगी, मैंने कुछ आपको एमसीक्यूज भी कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये पॉइंट ध्यान रखना, स्टार्टिंग करूंगा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन से, 15-20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा टर्म 1 से पहले पहले। थैंक यू वेरी मच बच्चों, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। बाय।